विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो गुलाब ही रहेगा, लेकिन शायद योगी सरकार को लगता है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि मंगलवार को लखनऊ में होने वाले भारत और वेस्टइंडीज के मैच के ठीक एक दिन पहले इकाना स्टेडियम का नाम ही बदल दिया गया। अब मैच देखने वाले इकाना में नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच देखेंगे। टिकट से लेकर हर जगह इकाना नाम ही दिख रहा था, लेकिन अब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दिखेगा। मजे की बात है कि खिलाड़ी लखनऊ पहुंच चुके हैं, कल के खेल की तैयारी में लगे हैं और खेल शुरू होने से पहले ही योगी सरकार ने खेल कर दिया। खेल भी ऐसा कि बॉल सीधे बाउंड्री पार ही कर दी। यूपी के राज्यपाल राम नाइक ने उत्तर प्रदेश आवास विकास विभाग के प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हुए इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया। गौर करें तो रविवार को ही अखिलेश यादव ने इकाना स्टेडियम को लेकर ट्वीट किया था कि एक बार फिर लखनऊ और प्रदेश की जनता सपा सरकार के विकास को देखेगी, वो विकास जिसे अखिलेश यादव ने किया था। लेकिन 24 घंटे बाद ही योगी सरकार ने सपा के विकास के खेल पर खेल कर दिया। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई नाम बदला गया हो, इससे पहले मुगल सराय स्टेशन इलाहाबाद का नाम भी योगी जी ने बदल दिया। नामों में ज्यादातर बदलाव राजनीतिक कारणों से होता है, लेकिन कुतर्क ऐतिहासिक भूल को दुरुस्त करने की दी जाती है या कभी साम्राज्यवादी विरासत से बाहर निकलने की दी जाती है। नाम बदलने से सरकारों को फायदा यह होता है कि उन्हें कम समय में सुर्खियां बटोरने को मिल जाती हैं और दूसरा गंभीर विषयों से जनता का ध्यान बाहर निकालना होता है। बहरहाल मैच के एक दिन पहले नाम बदलकर सीएम योगी ने साबित कर दिया कि उनकी सरकार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल हरिद्वार में भी योगी जी ने नाम बदलने को लेकर पूछे गए सवालों पर तर्क दिया था कि क्यों प्रदर्शनकारियों का नाम रावण या दुर्योधन नहीं रखा गया, लेकिन आज शायद समाजवादी पार्टी पूछेगी कि इकाना का नाम बदलकर आप क्या साबित करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी।